Chiku TV. हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है एलियन मुर्गी। रामपुर गांव में कुंदन नाम का एक बच्चा रहता था। कुंदन बहुत ही सीधा और नेक दिल था। वह हमेशा हर जरूरतमंद की मदद करता था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी होने के कारण गांव के दूसरे बच्चे हमेशा उसे परेशान किया करते थे। वह किसी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन कुंदन बाजार में घूमने गया। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है, क्यों ना पास वाले मैदान में जाकर थोड़ी देर खेल लिया जाए, बहुत मजा आएगा। कुंदन ये बोलता हुआ मैदान की तरफ बढ़ता है कि तभी उसका पीछा करते हुए कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं और रास्ते में उसे परेशान करने लगते हैं। देखो तो जरा, ये छोटा बच्चा मैदान में खेलने जाएगा, वो भी अकेले, बच्चे की मम्मी कहाँ है? ऐसे परेशान नहीं करते बच्चे को, नहीं तो मम्मी से शिकायत कर देगा। इसके बाद सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। कुंदन रोते हुए वापस अपने घर चला जाता है। जैसे ही कुंदन अपने घर पहुंचता है तो मम्मी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, यह बच्चे मुझसे इस तरह बात क्यों करते हैं? मैं तो इन सबके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, पर यह सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन इन सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन तुम कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना और सबके साथ अच्छे से रहना। मम्मी की बात सुनकर कुंदन चुप हो जाता है। वह हमेशा सभी को दोस्त बनाने की कोशिश करता रहता है, पर कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बनता। यह सब मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करते? मैंने तो कभी किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी यह सब बच्चे मुझसे इतना दूर क्यों रहते हैं? इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक बार आधी रात में कुंदन की नींद खुलती है। उसे घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर कुंदन अपने घर की खिड़की पर आता है और बाहर झांकने लगता है। बाहर का नजारा देखकर कुंदन बहुत हैरान रह जाता है। यह क्या है, मुर्गियां, वो भी स्पेसशिप में? मुर्गियों को देखकर कुंदन थोड़ा घबरा जाता है और खिड़की बंद करके वापस अपने कमरे में चला आता है। लेकिन उसके बाद रात भर कुंदन को नींद नहीं आती और वह पूरा समय स्पेसशिप वाली मुर्गियों के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन सुबह कुंदन जल्दी स्कूल चला जाता है और अपनी मम्मी को ये बात नहीं बता पाता। आज स्कूल से घर आकर सबसे पहले मम्मी को कल रात वाली बात बताऊंगा, वह बहुत ही अजीब सी चीज थी, मम्मी को जरूर पता होगा कि उन्हें क्या बोलते हैं। कुंदन स्कूल पहुंचकर भी उन एलियन मुर्गियों के बारे में सोचता रहता है। दोपहर में स्कूल से वापस घर जाते समय कुंदन सड़क की जगह पार्क वाले रास्ते से आता है। तभी थोड़ी दूर चलने पर कुंदन को एक अजीब सी परछाई नजर आती है। यह अजीब सी परछाई किसकी है? परछाई देखने के लिए कुंदन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी नज़र उसी स्पेसशिप वाली मुर्गी पर पड़ती है, जो पार्क के पत्थरों के बीच कुछ ढूंढ रही होती है। मुर्गी को देखकर कुंदन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। यह अजीब सी दिखने वाली मुर्गी यहाँ क्या ढूंढ रही है और यह इतनी अलग कैसे है? कुंदन छुपकर मुर्गी को देखने लगता है। तभी मुर्गी की नज़र कुंदन पर पड़ जाती है। वे कुंदन को वहाँ देखकर डर जाती है और भागने लगती है। मुर्गी को भागते देख कुंदन उसके पीछे भागने लगता है। भागते हुए मुर्गी का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वे गिर जाती है। अरे, कहीं इसे कोई चोट तो नहीं लग गई? मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैं? तुम बोल सकती हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, मैं क्यों नहीं बोल सकती? मेरे गोले पर तो सभी मुर्गियाँ बोलती हैं। तुम्हारा गोला, वह क्या है? मतलब मेरी दुनिया, जहाँ हम सभी मुर्गियाँ रहती हैं। तो तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मैं यहाँ एक चमकीला और कीमती पत्थर ढूंढने आई हूँ, जो स्पेसशिप में सफर करते हुए मेरे गले से निकलकर नीचे गिर गया था, और फिर उसे ढूंढने के लिए हम सभी यहाँ उतर गए।
लेकिन अब हमें वह नहीं मिल रहा है और हमारे पास उसे ढूंढने के लिए सिर्फ 7 दिन का ही समय है। लेकिन 7 दिन ही क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 7 दिन के लिए ही अपने गोले से बाहर निकल सकते हैं और 7 दिन के बाद हमें अपने गोले पर वापस जाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर मैं भी उस पत्थर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वह पत्थर दिखता कैसा है? वह नीले रंग का पत्थर है जिसके ऊपर काले रंग का बिंदु बना हुआ है। ठीक है, हम कल से साथ में मिलकर उस पत्थर को ढूंढेंगे। अगले दिन से कुंदन सभी मुर्गियों के साथ मिलकर पत्थर ढूंढने में उनकी मदद करने लगता है। इसी तरह देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें वे पत्थर नहीं मिलता। कुंदन, क्या हमें वे पत्थर वापस मिल जाएगा? अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। हाँ, हमें जल्द ही वह पत्थर मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इसी तरह 3 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पत्थर नहीं मिलता। मुर्गी और कुंदन पत्थर ढूंढने के लिए पूरा समय साथ रहते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। पत्थर ढूंढते हुए मुर्गी कुंदन को बोलती है, कुंदन क्यों ना तुम अपने दोस्तों को भी पत्थर ढूंढने के लिए बुला लो, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ही दिन बचा है। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। क्या, लेकिन ऐसा क्यों? गाँव के सभी बच्चे मुझे हमेशा छोटा बच्चा बोलकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा कद उन सभी से छोटा है ना, और मैं हमेशा अपनी मम्मी की हर बात मानता हूँ। अपनी मम्मी की बात मानने वाला बच्चा छोटा नहीं, समझदार होता है, और तुम बहुत समझदार हो। लेकिन कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है। वैसा मूर्ख है जो इतने अच्छे दोस्त को खो रहे हैं। लेकिन तुम कोशिश मत छोड़ना, और अगली बार जब भी किसी बच्चे से मिलो तो बिना डरे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करना, जिससे उन्हें भी समझ आए कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो। मुर्गी की बात सुनकर कुंदन में आत्मविश्वास आ जाता है और फिर दोनों पत्थर ढूंढने में लग जाते हैं। रात होने पर जब दोनों थक हार कर वापस जा रहे होते हैं, तभी मुर्गी की नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ती है जहां उसे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। कुंदन, वह देखो, वहां कुछ चमक रहा है। दोनों उस चमकती चीज को देखने के लिए पेड़ के पास जाते हैं और जैसे ही वे उस चमकती चीज के पास पहुंचते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं। मेरा पत्थर, मेरा कीमती पत्थर मुझे मिल गया, हमने कर दिखाया। हाँ दोस्त, हमने आखिर तुम्हारा पत्थर ढूंढ लिया, वो भी समय से पहले। अब तुम कल आराम से वापस जा सकती हो। ये बोलते हुए कुंदन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर मुर्गी को खुश देखकर वह भी खुश हो जाता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मुर्गी खुशी खुशी वापस अपने घर चली जाती है और कुंदन जब दोबारा गांव के बच्चों से मिलता है तो बिना डरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात उनके सामने रखता है, जिसके बाद वे सभी बच्चे उससे माफी मांगते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।